दुकान में है। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है न्यू ब्लॉग पे। और आपके उधर मौसम कैसी है जरूर बताइएगा कमेंट करके। हमारे उधर तो बारिश हो रही है और पूरा कुहासा छाया हुआ। आज बारिश बंद है, कल बहुत बारिश हो रही थी, मतलब धीमी धीमी बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह से एकदम कंटिन्यू बारिश। तो मैंने एक बार खाना बना दिया था, मतलब खाना नहीं चढ़ाई थी और बड़ा बड़ा डेक्ची आज चढ़ाई हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ कोई आने वाले हमारे घर, इसलिए सुनीता बड़ा बड़ा डेक्ची चढ़ाई हुई है। मैं सुबह से फटाफट से नहा के पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम है। आज सुबह स्कूल से लाने के लिए जाना है, प्लस अभी मार्केट सबसे पहले मुझे जाना है। तो यहाँ पे सुबह बना, मैं यहाँ पे देखिए आलू पालक की सब्जी बनाई थी। लक्ष्य आयुषी और हस्बैंड जी टिफिन ले गए और नाश्ता किए हैं, तो इतना अभी बचा हुआ है। हमारा दाल रेडी हो गया है और मैं यहाँ पे मसाले रेडी कर रही थी। इसमें है सरसों, जीरा, लहसुन, मिर्च, दो टमाटर और प्याज है, सबको मैंने पीस लिया है। तो मसाला से रेडी करके रहूँ तो फटाफट सब्जी फिर बनाऊंगी। तो भात यहाँ पे बस हो गए हैं और थोड़ी देर है मार पसा लूंगी, उसके बाद फिर मुझे निकलना है मार्केट। तो सुबह का सब्जी उतना खत्म हो गया था ना, तो मैं सोच रही थी दोपहर में क्या बनाऊं। यहाँ पे देखिए अरबी है, जिसे हम लोग सारू बोलते हैं, कच्चू बोलते हैं। अरबी को मैंने दो सिटी में यहाँ पे उबाल लिया था कि इसका हम चोखा बनाएंगे, और चोखा तो बनाएंगे ही, पर अभी मेहमान आने वाले हैं घर पे तो उनके लिए कुछ बनाना है। मौसम आप देख सकते हैं, मैं बिंदी भी नहीं लगाई हूँ, देखिए अभी कुछ लगाया ही नहीं। हम जस्ट नहा कर अभी जस्ट भात चढ़ा दिया था, किचन पर मैं आई, अभी कुछ नहीं लगाई हूँ छत पे। और इतने सारे कपड़े, दो दिन के कपड़े हैं तो धो के मैंने डाल दिए, हवा से सूखते रहेंगे। आज भी धूप निकलना मुश्किल है, धूप तो निकलेगी या नहीं। तो आप लोगों को उधर कैसा है मौसम कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कौन आ रहे हैं हमारे घर, आप लोगों को जरूर पॉसिबल होगा तो वीडियो में हम दिखाएंगे और बताएंगे भी कौन कौन थे। चलिए फिर मैं चलती हूँ मार्केट, इसको भी बाहर रखा हुआ है, आते हूँ मार्केट से फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं मार्केट पहुँच गई हूँ और यहाँ पे हमारा जो है मछली कट हो रहा है। देखिए बगल में भी मछली वाला है, इधर से रोड से मैं आई हूँ, यहाँ पे है मेरी स्कूटी खड़ी, और ये जो बगल का रोड इधर से गया है ना, ये हस्बैंड जी का दुकान जाता है। ये यहीं पे लगता है संडे बाज़ार, जिसे हम लोग हाट बोलते हैं, संडे का मार्केट यहीं पे लगता है। मछली ले लिया और राशन दुकान से कुछ सामान ले रहे हैं, फिर हम निकलेंगे आशिक के साथ स्कूल से। अभी थोड़ा सा टाइम बचा है 10 मिनट आशिक को लाने का, तो मैं तब तक यहाँ पर मछली सबको धो दूंगी। बहुत ज़्यादा ठंड लगी सच में, रोड में बहुत कुहासा छाया हुआ था। ये पूरा 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा मछली है। मछली को अच्छे से मैंने 2 बार धो लिया है और हल्दी और नमक डाल के इसे अभी हम रख देंगे थोड़ी देर, रेस्ट होगा तब तक मैं जाती हूँ। आयुष का टाइम हो गया है, आयुष को ले आती हूँ स्कूल से, और वहाँ राशन दुकान से थोड़ा मसाले वगैरह सब खत्म हो गए थे तो वो सब लाई और डिस्पोजल थाली लाई। आयुष को मैंने ले आया है स्कूल से और आते साथ हूँ काम पे, बहुत ज्यादा हाथ एकदम बर्फ सा हो गया, तो मैं बना रही हूँ अपने यहाँ पे ग्रीन टी। पापड़ हमने लाए हैं, तो मछली फ्राई करने से पहले पापड़ को मैं फ्राई कर लूंगी।
जब तक ग्रीन टी थोड़ा से 1 से 2 मिनट रेस्ट हो रहा था, मैं यहाँ पे सारे पापड़ को तल ली हूँ और मछली को डाल दी हूँ फ्राई होने के लिए। मीडियम फ्लेम हम कर देंगे, तब तक मैं यहाँ पे अपना ग्रीन टी ले रही हूँ। और ग्रीन टी पीने से ना बहुत ज़्यादा आराम लगता है बॉडी को, मैं बॉडी एकदम गर्म सा हो जाता है। तो मैं तो चाय पीती हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं पीती हूँ, बहुत कम पीती हूँ। और यहाँ पे ग्रीन टी मैंने पी लिया है। तो मछली इधर फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं चटनी बनाऊँगी। तो चना दाल को थोड़ा सा फ्राई करके हम पानी में डाल देते हैं, तब तक ये फूलते रहेंगे, तब तक सारे मछली उधर मेरे फ्राई हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं मछली भी फ्राई कर रही थी, और आलू बोल रही हूँ, कच्चू जो था वो उबल गया था, तो उसे मैं यहाँ पे छील के रख लूँगी। और थोड़ा सा प्याज टमाटर हम यहाँ पे कट करके रखेंगे, तो इसका सब्जी भी बनता है। आप खाए हैं कि नहीं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का ये होता है, ये उबल गया है। ऐसे छीलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसे उबाल के बनाइए ना तो बहुत इजीली इसका छिलका हट सा जाता है। लेकिन ज़्यादा टेस्ट इसका सब्जी बनाने से ना, मतलब ज़्यादा टेस्टी अगर आपको खाना है तो इसे डायरेक्ट छील के बनाइए, उबाल के नहीं। तो मुझे तो चोखा बनाना था, इसलिए मैंने इसे उबाल लिया है। और यहाँ पर मैं बार बार उठ के जा रही थी, मछली को पलट के आ रही थी, मतलब फ्राई कर रही थी, उसे देख भी रही थी। और यहाँ पे चोखा रेडी करने के लिए सारे यहाँ पे सामान भी रेडी कर रही थी। तो देखिए सारे अरबी को हमने छील लिया है और मछली भी फ्राई हो गई है। तो बस अब चलिए हम इसमें ग्रेवी बनाते हैं। लास्ट में मैंने मछली का मुंडी फ्राई किया है, मुझे बहुत पसंद आती है। मैं इसकी सब्जी कभी नहीं बनाती हूँ, इसे ऐसे ही भुंजा खाती हूँ। तो यहाँ पे मेथी का फ़ौरन मैंने डाला है, गोटा वाला मेथी। साथ ही हम इसमें तेज़पत्ता डालेंगे और कटा हुआ प्याज। मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर फ्राई करेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर हम डाल देंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तैयार किया हुआ हम मसाला को भी इसमें हम डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर सभी मसालों को हम कवर करके थोड़ी देर भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर, 2 टमाटर मैंने लिया हुआ है। और इसमें हम डालेंगे चिकन मसाला या तो मीट मसाला। सभी चीज़ों को वापस से थोड़ी देर हम भूनेंगे कवर करके। और इसके बाद यहाँ पे देखिए अब ग्रेवी के हिसाब से मैं पानी डाल दूँगी। स्वाद के अनुसार नमक हमने डाल दिया था, तो ग्रेवी के हिसाब से हम इसमें पानी डाल देते हैं। जैसे ही ग्रेवी में उबाल आएगी फिर हम सारे मछली को डाल देंगे, गरम मसाला डालेंगे, धनिया पत्ता जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो जब तक यहाँ पर ग्रेवी में उबाल आएगी मैं यहाँ पर चटनी रेडी कर लेती हूँ। इसमें हरी मिर्च और लहसुन मैंने डाला हुआ है। तो देखिए ग्रेवी में उबाल आ गई है, सारे मछली को हम डाल देते हैं और इसे 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, फिर हमारा सब्जी भी रेडी हो जाएगा। और मछली का मुंडी आप लोग खाते हैं कि नहीं ज़रूर बताइएगा, मैं तो भूंजा ही खाती हूँ। तो इधर देखिए हमारा चटनी भी रेडी हो गया है। तो बस अभी चोखा बनाना बाकी है। और यहाँ चटनी पर मैं कड़ी पत्ता का छौंका लगा रही हूँ, आप इसमें काली वाली सरसों भी डाल सकते हैं। तो चलिए हमारा चना दाल का चटनी रेडी हो चुका है और यहाँ पे हमारा फिश करी भी बनके तैयार है। तो अभी मैं चोखा बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हरी मिर्च प्याज डाला है, थोड़ा सा सरसों का तेल जरूर से डालिए, और अगर आपके पास नींबू है तो आधा नींबू का रस डालिए। और ये चोखा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, इसके पकोड़े भी बनाए जाते हैं। तो चलिए हमारा चोखा भी रेडी है और सारा खाना यहाँ पे बन के तैयार है। देखिए ढेर सारा फिश करी और साथ ही इधर में पापड़ भी तल लिया है। ये रहा अरबी का चोखा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इधर दाल जो कि सुबह में ही मैंने बनाया हुआ है, और थोड़ा सा आलू पालक का सब्जी बचा हुआ है, और ये रहा हमारा चटनी, और बड़े वाले डेक्ची में यहाँ पे है भात। खाना बन गया, बस किचन को थोड़ा सा मैं क्लीन करूँ। मैं जाती हूँ रूम साइड में खटिया को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा, कभी कल मुझे मौका मिलता है ना, मेहमान जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल अकेले रहती हूँ, कोई आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। सो फ्रेंड अभी देखिए आयुषी और हम अभी वेट कर रहे हैं फोन आया था दीदी का, वो मतलब आधा रास्ता पहुंच गए हैं, तो हम अभी खटिया निकाल दें, गेट के पास ही है, तो अभी जस्ट वो लोग पहुंचते होंगे तो हम यहीं पे उनका। देखिए दोस्तों टेम्पो आ रहा है, पूरा भर के सब आ रहे हैं।
देखो मंकू कहाँ दिख रहा है, कहाँ है? कौन आया है, सो गया है? आया है हमारे घर छोटू से बाबू। हाय बोलो सभी को। हाय बोलो, हाय बोलो। कहाँ गया था? पूजा जा करके आया है। देखिए सोया हुआ था ना, इसलिए अभी चुप है, नहीं तो अभी बोलता हाय दोस्तों हम कंप्यूटर चला रहे हैं। चीची मामूली गुजारा। चीची कहाँ गया था? आए हैं वो मंजरी वाली दीदी के सास है, ननद है और मौसी सास है और चाची है, मामू लगेंगे वो, मतलब पूरा फैमिली ही आए हुए हैं। तो पहली बार यहाँ मंदिर में आए थे तो हम बोले कि अपना घर हम बुलाएंगे, कभी वो लोग आए भी नहीं थे। तभी सब बगान घूम रहे हैं, बाहर में कुछ बैठे हुए हैं, टाइम भी ओवर हो गया, 3 बजने 2। तो मैं अभी नाश्ता वगैरह नहीं दूंगी, डायरेक्ट अभी खाना ही निकालूंगी। तो यहाँ सबके लिए हमने थाली लगा लिया है, भात नीचे रखा हुआ है और मिर्च नमक भी दे दिए हैं, क्योंकि मिर्च नमक गांव के लोग को बहुत पसंद आता है और मतलब खाने में वो होता ही है शामिल। और सभी को यहाँ किचन में ही दे दिए, दीदी साइड में बैठी है इसलिए दिख नहीं रहे हैं। पानी सबके लिए गर्म कर दी हूँ, मौसम पता नहीं अभी ना कैसा कर रहा, 2-3 दिनों से बिल्कुल भी धूप नहीं है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए पानी मैंने गर्म कर दिया और गर्म पानी ही दे रही हूँ। और डिस्पोजल इसलिए मैं ले आई हूँ कि थाली और मतलब धोने का उतना झंझट नहीं रहेगा, ज़्यादा आदमी रहने से मैं इमरजेंसी में डिस्पोजल रखे रहती हूँ कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इसे जला देने से हो जाता है तो मुझे थकान ज़्यादा नहीं होती है। तो सभी से मैं यहाँ बातें कर रही हूँ और बाबू खाने नहीं खोज रहा था तो इसे मैंने पापड़ दिया हुआ, तब वो खा रहा है। तो सभी लोग अभी खा लिए हैं, बाहर में बैठे हैं, तब तक मैं किचन को यहाँ पे साफ कर दूंगी। हस्बैंड जी का आने का टाइम भी हो गया है, लक्ष्य को लेके आते रहेंगे तो बेटा भी भूखा होगा, फिर उन्हें मैं खाने के लिए दूंगी। तो किचन को हम साफ करके फिर चलते हैं बाहर। बदमाशी कर रहा है, देखिए जा रहा है। सभी को नमस्ते बोलो, इधर देख के बोलो सभी को नमस्ते। कहाँ गए थे? घर मंदिर गए थे बोलो। और क्या मांगे भगवान से? हाँ मैंग के पास नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। हाँ हम पढ़ेंगे अच्छा से, बोले बोलो। सारे लोग चले गए हैं अभी, जस्ट सब गए और हम भी नहीं खाए थे, लक्ष्य आ गया था स्कूल से। तो यहाँ पे देखिए अपना खाना निकाल लिए हैं, मछली का मुंडी लिए हैं और यहाँ पे सब्जी दाल बस खत्म हो गया। यहाँ पे लक्ष्य खा रहा है और वहाँ लक्ष्य के पापा खा रहे हैं, आयुषी तो खा ली उन लोग के साथ ही पहले। तो चलिए हम अभी अपना खाना एंजॉय करते हैं।